क्वेश्चन है कि एक ना बुलेट है 100 मीटर पर सेकेंड से इस प्लैंक में एंटर करती है, गोली चली, लकड़ का प्लैंक है, तो प्लैंक के अंदर एंटर करेगी, लकड़ उसको रोक देगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी यहाँ पे? जीरो। और प्लैंक में वो कितने सेंटीमीटर पे जाके रुकी? 4। अब वो केस नंबर 2 में पूछ रहा है कि गोली कितनी वेलोसिटी से एंटर करे, वेलोसिटी बताओ, ताकि वो प्लैंक में 9 सेंटीमीटर पे जाके रुके। अगर वो 100 पे आती है तो 4 पे रुकती है, उसको कितने पे रोकना है? 9 सेंटीमीटर पे। तो कितनी वेलोसिटी से एंटर करे ये क्वेश्चन है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्रिक देखो, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, ये कितने मीटर पर सेकंड से एंट्री हुई थी बुलेट की? 100। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, क्या ये स्टेप क्लियर है? दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों हुई? पहले ये बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। तो क्यों कम हुई? क्योंकि जो लक्कड़ का प्लैंक है उसके अंदर फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन वर्क डन कर रहा है ताकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो सके? कम हो जाए, फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ने कितने सेंटीमीटर तक काम किया? 4 सेंटीमीटर पे रोक दिया। तो दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन विच इज नेगेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? पहली क्वेश्चन क्लियर है। तो जब भी गोली प्लैंक में एंटर करेगी, फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो दिस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में एनर्जी फिर से 0, वेलोसिटी वी मुझे निकालनी है और फ्रिक्शन फिर से काम करेगी, लेकिन इस बार कितने पे? 9 सेंटीमीटर पे। सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, एफ से एफ, माइनस से माइनस, एम से एम, सब कैंसल, सॉल्व करके क्या जाएगी? वेलोसिटी। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आपने क्या करना है इसमें, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव नहीं लगाया, लगा लेना, ऐसे करो इसे, ये लिखो 0 माइनस 0 माइनस, और यहां पर माइनस एंड माइनस, वेयर एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो आज की बात बुलेट और प्लैंक की जो प्रॉब्लम आएगी कैसे सॉल्व करनी है समझ में आ रहा है? ठीक। ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम। बहुत है आज के लिए।